भाई मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा। कैसे पूछा मैंने हैं? भाई चक्कर आ रही इसके अंदर। चक्कर आ गई क्या अतुल? कहीं आपके खट्टा खाने के दिन पास तो नहीं है? मेरी जाप मेरी जाप उड़ गई। देखो बाबा की दोंगी पैंट गीली हो चुकी है, दिखाइए एक बारी। देखो भाई पसीने आ रहे हैं। तो भाई देखो पक्का पसीना ही है ना? हां जी हां जी। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आई होप सब अपने अपने घरों में होंगे, मौज ले रहे बढ़िया से, रोज ले रहे होंगे। तो गाइस एक बार फिर मैं आ चुका हूँ इतने बढ़िया और फैंटास्टिक व्लॉग के साथ। आज मैं आपको लेके आया हूँ दिल्ली एनसीआर के भाई सबसे बेस्ट सबसे लग्जरी फार्म हाउस में। भाई फार्म का नाम है रंगमंच फार्म। भाई यहाँ की जो एक्टिविटी है ना बहुत ही बढ़िया है, खाना बहुत ही लग्जरी है भाई, मतलब बहुत ही, मतलब पूरे जितने फार्म है ना दिल्ली एनसीआर में सबसे बढ़िया खाना यहाँ पे आपको मिलेगा, सबसे बढ़िया एक्टिविटी यहाँ मिलेंगी। तो बढ़िया फार्म हाउस को बढ़िया एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन पहले आपको दूंगा मैं सारी जानकारी। आप आपको आना कैसे है, टाइमिंग क्या है, टिकट प्राइस क्या है, उसके अलावा नियरेस्ट मेट्रो क्या है, पार्किंग अवेलेबल है या नहीं है, सारी जानकारी मैं दे दूंगा, एक जानकारी मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद फार्म हाउस को बढ़िया से एक्सप्लोर करेंगे। भैया मेरे टिकट के पैसे दे दें। टिकट के पैसे दे दूं? अबे दो महीने से मैंने खुद का कच्चा नहीं लिया, अभी तक टिकट के पैसे भर दूं भाई मैं? यार पता है क्या गाइस क्या चल रहा है मेरे साथ? इसको पता नहीं क्या चल रहा है मेरे साथ भाई। सुन कच्चा उतारता हूँ, नहाता हूँ, सुखाता हूँ, फिर पहनता हूँ भाई, ये चल रहा है मेरा। एक कच्चा मैं नहीं ले पा रहा दो महीने से। तो भैया यूट्यूब से इतने क्यों कमा रहे हो फिर? अरे यार कोई बात नहीं गाइस, देखो ये टिकट के पैसे बोले, टिकट के पैसे भर दो भाई, नहीं भर पाऊंगा भाई मैं, कुछ कच्चा नहीं ले पा रहा भाई मैं ये दिन। अब एक काम करो मेरे को एक कच्चा ले दो भाई यार। कोई नहीं ले देंगे भाई। तो गाइस हमारी ऐसी मजाक तो चलती रहेगी, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप लोगों को करना एंजॉय, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, नीचे कमेंट कर देना अगर कोई जानकारी रह गई तो भाई आपको बता देंगे। करते हैं वीडियो स्टार्ट। भाई सबसे पहले बात करें यहाँ के एड्रेस की। देखो भाई ये एड्रेस इनका होने वाला है गरही बुधेरा रोड गुड़गांव, और ये 30 मिनट के डिस्टेंस पे है हीरो होंडा चौक से। और गाइस अब बात करें यहाँ की टाइमिंग की। देखो भाई ये फार्म है ओपन हो गया था सुबह 9:30 बजे और शाम को 5:30 बजे तक आप इंजॉय कर सकते हो, मतलब 8 घंटे। और मैं आपको बताऊँ इनकी 2 शिफ्ट टाइमिंग चलती है। देखो भाई एक शिफ्ट टाइमिंग ये भी है इनकी, मतलब शाम को 4 बजे आप एंट्री लेंगे और रात के 10 बजे तक आप इंजॉय कर सकते हैं 6 घंटे। बाकी मैं आपको एक बात और बता देता हूँ भाई, यहाँ की एंट्री टिकट की बात करते हैं। देखो भाई अगर आप एडल्ट हैं 1399 रुपये आपकी है, और किड्स की लगने वाली है 749 रुपये। अब ये किड्स कैसे कंसीडर करें मैं बता देता हूँ आपको मैम। आपके बच्चे की हाइट अगर 3 फीट से 4 फीट के बिटवीन है तो 749 रुपये है, 3 फीट से अगर कम है ना हाइट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री। देखो गाइस बाकी देखो ब्रेकफास्ट में ऐसा कुछ इतना कुछ मिलने वाला है। देखो भाई तो मेरी आपको एक सजेशन रहेगी, ब्रेकफास्ट की लंच की आप एक स्क्रीनशॉट लेना ताकि कुछ मिस मत करना भाई, इतने पैसे दे रहे हो भाई तो खाना तो बनता है भाई। और मैं बताऊँ यहाँ का जो खाना है ना बहुत ही लग्जरी है, बहुत लग्जरी। मैं बता रहा हूँ किसी अदर फार्म में आपको इतना खाना मिलने नहीं वाला जितना यहाँ मिलने वाला है। और गाइस ये सारी एक्टिविटी होने वाली है तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक भी एक्टिविटी आपको मिस नहीं करनी है। और गाइस अगर आप शाम वाले अगर बैच में अगर आप आते हो देखो भाई तो ऐसा कुछ इनका जो है मतलब मेन्यू होने वाला है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो गाइस अब बात करें डिस्काउंट की, अगर आप यहाँ पे ग्रुप में अगर आप आते हो ना ऐसे, मतलब कोई कॉर्पोरेट की अगर तरफ से आते हो या फिर अगर स्कूल का ट्रिप आ रहा है भाई तो आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है तो आप उनपे कॉल करना है, कॉल सेंटर का नंबर है, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। तो गाइस अब बात करें नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की, तो नियरेस्ट मेट्रो बहुत दूर पड़ेगा भाई हुडा सिटी सेंटर, इस फार्म से उसके जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 20 से 22 किलोमीटर। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा भाई, देखो अगर सस्ते में अगर आप आना चाहते हो शेयरिंग, मतलब ऑटो से अगर आप आना चाहते हो 4-5 आपको ऑटो चेंज करना पड़ेगा, आप बहुत परेशान हो जाओगे भाई। ठीक है मैं आपको एक इजी सा रास्ता बताता हूँ भाई, कैब कर लेना ठीक है, कैब वाला आपसे लेगा 200 से 250 रुपये और आपको फार्म के बाहर उतार देगा। गूगल लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बाकी एक मैं आपको निशाने के लिए और बता देता हूँ भाई, ये जो फार्म है ना मतलब हीरो होंडा चौक से 30 मिनट के डिस्टेंस पे अराउंड 8 से 9 किलोमीटर दूर होगा हीरो होंडा चौक से, तो वहां से भी आप कैब अगर आप कर सकते हो अगर आप गुड़गांव से जा रहे हो। तो गाइस अब बात करें यहाँ की पार्किंग की। देखो भाई ये यहाँ की पार्किंग होने वाली है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गाइस सारी जानकारी मैंने आपको इस फार्म के बारे में दे दिया, कोई डाउट इंक्वायरी रह गया वो भी कमेंट कर देना, आपका भाई इलेक्शन में मैंने आपको रिप्लाई कर देगा। चलते हैं अंदर बढ़िया से फार्म को एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस जैसे ही आप इस फार्म में आप एंट्री करोगे ना, एंट्री करते ही आपको ये मैम मिल जाएंगे बिल्कुल सच धज के खड़े हमारे स्वागत के लिए भी। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। कैसे हो आप? बढ़िया। तो ये खड़े हमारे को तिलक लगाएंगे भाई, लगा दो भाई। और आगे देखो भी आगे हमारे को ये ढोल वाले भैया मिल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर लक्षा भाई धमाल मचाने वाले हैं बहुत बढ़िया तरीके से। चलो स्टार्ट। बेटे अगर कैमरे में अगर उंगली आ गई ना, चलो चलो भैया स्टार्ट कर दो। ओ भाई साहब
गाइस तिलक लगवाते ही देखो भाई सामने आपको बोर्ड नजर में आएगा, ये देखो ये निशानी के लिए लगाया हुआ है। एडवेंचर एक्टिविटी करनी है तो देखो एरो का निशान इस तरफ है और डाइनिंग एरिया, इंडोर गेम्स, चार्ट काउंटर, रिफ्रेशमेंट इस तरफ है। देखो भाई तो पहले एक बार कहाँ चलना है भाई, अतुल भाई क्या करना है, पहले क्या खाओगे? पहले खाना खाओगे मतलब है, चलो पहले कुछ खाते हैं यार। ठीक है भाई, ठीक है। तो गाइस पहले नाश्ता कर लेते हैं, अभी देखो अभी दिखाता हूँ आपको नाश्ते में क्या क्या है। और नाश्ते से पहले आपको मैं टाइमिंग बता देता हूँ, नाश्ते की टाइमिंग क्या होने वाली। देखो भाई लिखा भी हुआ है ब्रेकफास्ट 9:30 से 11:30 बजे तक चलेगा और स्नैक्स चलेंगे 12 से 4 बजे तक। लंच की टाइमिंग 1 से 3 बजे तक, इवनिंग में मतलब 4 से 5:30 तक इवनिंग चार्ट है। मतलब बंदा सारा दिन खाता ही रहे मतलब है, खाता रहे मतलब भाई। बाकी गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है पेट्स आर नॉट अलाउड इन द डाइनिंग एरिया एंड स्विमिंग पूल एरिया, तो आप मत जाओ, अब मत जाओ यार, अब मत जाओ अतुल, रहने दे भाई अतुल, अतुल अरे पेट्स अलाउड नहीं है, पेट्स अलाउड नहीं है भाई। तो गाइस मैंने बोला अतुल को भाई की पेट्स आर नॉट अलाउड, भाई वो भाग गया भाई। चलो बढ़िया भाई, तू बाहर रहियो ठीक है, तेको बाहर खाना भेज दूंगा, टेंशन ना ले। गाइस देखो भाई यहाँ से स्टार्टिंग होने वाली है इनकी ब्रेकफास्ट की। देखो भाई पहली जो आइटम रहेगी वो रहेगी कोकोनट चटनी की और दूसरी रहेगी टमाटो चटनी की, बहुत बढ़िया यार। तो आगे चलते हैं भाई, ये होने वाला है इनका सांभर। सांभर बड़ा गाढ़ा लग रहा है यार, दिखाना इसमें क्या है। अच्छा इसमें इडली है, इडली कौन सी वाली है। अच्छा आप यहाँ के स्टाफ है क्या भैया? ओके ठीक है भैया। और ये होने वाला है ये भी इडली, इडली है क्या? ये तो बड़ा है, चलो नहीं खाया कोई बात नहीं, गलती होगी भाई, क्या हो गया आपके लिए है। हाँ ठीक है भैया। और ये क्या होने वाला है? आलू की सब्जी है। आलू की सब्जी है, लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ लीजिए। हाँ कोई बात नहीं भाई, गलती होगी कोई बात नहीं। और गाइस देखो भाई यहाँ की पूरी होने वाली है, देखो बहुत बढ़िया यार। और ये होगी भाई दही है ना? हाँ जी दही है। अच्छा प्लेन कर्ड होगी और ये कीवी कर्ड। हाँ जी भाई कीवी कर्ड कौन सी होती है? कीवी कर्ड हाँ जी मीठी होती है, लक्ष्य दही होती है। अच्छा अच्छा तो गाइस देखो भाई ये कुछ कीवी कर्ड होने वाली है, मैंने कभी खाई नहीं लेकिन मैं भी पहली बार ट्राई करूंगा। और देखो ये होने वाला अचार यहाँ का, और ये होने वाले परोंठे भाई, मक्खन, और ये हलवा बहुत बढ़िया मक्खन, ये हलवा सूजी का हलवा है भाई। देखो बहुत बढ़िया होने वाला बता रहा हूँ भाई, क्योंकि यहाँ का खाना ना मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं एक बार पहले भी आया था, खाना देखो यहाँ का लग्जरी होता है भाई। और देखो भाई ये होने वाले यहाँ के सैंडविच और फ्रूट भी है। ये क्या है? केक है ना? ये बनाना। अच्छा साइड हो, एक बार साइड हो, बनाना वॉलनट ड्राई केक, बहुत बढ़िया यार। पहले ट्राई यहीं से स्टार्ट, यहीं से करेंगे है ना? तुम्हारे भाई ने बहुत तेज है भाई तू। तो गाइस यहाँ पे ना मसाला छाछ का भी इंजॉय कर सकते हो नाश्ते में, लेकिन मेरी आपको सजेशन रहेगी थोड़ा कम पीना नाश्ते में, अगर ज्यादा पी लोगे फिर नींद आएगी, एक्टिविटी नहीं कर पाओगे भाई। ठीक है अब चलते हैं आगे। देखो अभी कॉर्नफ्लेक्स भी होने वाले हैं, तो ये दो तरह के कॉर्नफ्लेक्स है क्या भैया? ये कॉर्नफ्लेक्स दो तरह के हैं क्या? हाँ दो तरह के। अच्छा देखो अभी होट मिल्क भी मिल जाएगा आपको और भी कोल्ड मिल्क भी मिल जाएगा। तो गाइस इतना कुछ हमने नाश्ते में ले लिया, देखो खाने के लिए। देखो भाई अगर और भूख लगेगी तो मोर खा लेंगे और ले लेंगे हम। देखो मतलब इतना खाने के बाद भी तुम्हें भूख लगेगी? अरे कोई बात नहीं, नहीं लूट लो तुम भाई, 1400 रुपए दिए हैं भाई, खाएंगे। और आपको पता है यहाँ का जो खाना है ना वो लग्जरी खाना है, बिल्कुल भाई अभी ट्राई करके बता तुम्हें। खा के भाई खा खा तोबा तोबा तारा मूड खराब कर दिया तोबा। कैसा है? बढ़िया भाई, केक होने वाला है, बनाना बोल रहे ऐसे लग रहा है क्योंकि भैंस चारा चल रही है। देखो गलत कह रहा हूँ, तो गई भैंस पानी में है। सही 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 कह रहा हूँ भाई। तो गाइस खाना फिनिश भाई, कैसा लगा खाना भाई? भाई बहुत बढ़िया खाना था, मजा आ गया खाके भाई। तो गाइस देखो बाबा के जोन ने इतना खाना खाया ना, देखो सारा खाना बाबा के जोन ने खाया भाई। भाई आपके चक्कर में हाथ बोला की बिक्री बढ़ रही है, तो पता है? चलो मेरे चक्कर में किसी का तो प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तुम यहाँ से खा के जाते हो और बाहर गंद में जाते हो, बता रहा हूँ मैं। ऐसे तो मत बोलो यार, गलत काम कर रहे हो, बता रहा हूँ मैं। तो गाइस फिलहाल जो है नाश्ता वास्ता हो चुका है भाई, अब जा रहे हैं एक्टिविटी करने के लिए। हाँ भाई बाबा का जोन। हाँ भाई मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। अतुल भाई जी। तो गाइस इन्होंने मतलब खाना वाना खा के हाथ मोला की गोली ले ली है भाई, और ये माहौल खराब करने वाले हैं अभी। ये कहा जा फिर भाग रहा, फिर भाग रहा तू। तो गाइस मतलब तुम्हारे भाई ने तो लिमिटेड खाया यार, मतलब क्यों किसी का मतलब मूड खराब करे यार, इन्होंने तो हाथ मोला की गोली भी खा ली। तो गाइस फिलहाल जो है एडवेंचर एक्टिविटी वाले एरिया में एंट्री कर रहे हैं। देखो भाई एंट्री करते वक्त ना आपको, देखो एंट्री करते ही आपको जो है मतलब यहाँ पे ये मतलब वेलकम ड्रिंक मिल रही है यहाँ पे। भैया से पूछ रहा भैया कौन कौन सी है भैया? पानी, जलजीरा और छाछ। अच्छा तीनों है और ये अनलिमिटेड है? लिमिटेड है पूरा दिन, लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है सर। अच्छा अनलिमिटेड है और ये पूरा दिन चलेगी क्या? 9 से 7 बजे तक चलता है, 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। बहुत बढ़िया। तो गाइस देखो अभी सुबह के बैच में आते तो भी आपको मिल जाएगी, शाम के बैच में आओगे तो भी आपको मिल जाएगी, तीनों होने वाली है भाई। भैया 3 नींबू पानी लगा दो भैया। तो गाइस एडवेंचर एक्टिविटी की हम शुरुआत करें स्काई साइकिलिंग से। देखो भाई रुक जा साइड हो एक बारी, देखो भाई ये स्काई साइकिलिंग देखो कहाँ तक जाएगी। देखो भाई ये बिल्कुल हवा में उड़ने वाली, उड़ने वाली मतलब हम चलेंगे मतलब हवा में आसमान में। तुम्हारा भाई चलाएगा इस तार के ऊपर साइड, एक बार साइड हो एक बारी यार भैया। ओए होए गोगल लगा के, ओए होए। तो गाइस यहाँ के स्टाफ है देखो भाई,
बिल्कुल मस्त लग रहे हैं भैया, मजा आएगा इसके अंदर? बिल्कुल मजा आएगा। अच्छा कितने मीटर लंबी होगी, एक आइडिया है आपको कुछ? ये सर होगी आपकी 80 मीटर। 80 मीटर भैया, बहुत हैंडसम लग रहे हो बता रहा हूँ भाई मैं। आज तो किसी को प्रपोज कर देना, बता रहा हूँ आप सही बता रहा हूँ भाई मैं। तो गाइस फिलहाल से साइकिलिंग को, अबे रुक जाओ। तो गाइस भैया धक्का मार दो हमारे पिछवाड़े पे, लात मार दो। रुको रुको भैया, एक सेकंड। अरे रुक जाओ ओए, क्या हो गया भाई? तू एक काम कर, एक बंदा रिकॉर्डिंग कर ले, तू क्यों मरवाता है मेरे को? बोल शंकर भगवान ने की। ओए अरे मेरे को बांधा भी नहीं भैया ने। ओए अरे भैया ने बांधा ही नहीं मेरे को। अरे पैडल मार, पैडल मार, पैडल मार, और पैडल मारना भाई। ओ भाई आराम से। अबे ओए, ओए, अबे क्या हुआ ये कर रहा है भाई? भैया ने मेरे को बांधा ही नहीं है यार। तो भाई देखो भैया ने मुझे बांधा ही नहीं है, और अतुल को बांध दिया देखो यार। अबे यार भाई ऊंचा देखो कितना ऊंचा है। ए भगवान क्या हो रहा है यार, ये उल्टे काम हो गया तुल आज तो यार। भाई यार भैया ने ध्यान भी नहीं दिया यार। तो भाई देखो यार आज तो भैया मामला टाइट हो गया, बता रहा हूँ मैं। चला तो ले, पैडल मार ले यार, पैडल मार, पैडल को नहीं मार रहा भाई तू, उल्टी बातें कर रहा है। पैडल मारना पैडल मार, पैडल मार, पैडल मार अपने डेस्टिनेशन पर। तुम बंधे नहीं क्या? अरे बंधे ही नहीं, मेरे को बांधा ही नहीं मेरे को यार। भैया मेरे को बांधा ही नहीं, देखना यार पीछे वाला बांधा है मेरे को, बांध देना पीछे वाला भी, और यहाँ से बांध रखा क्या? अरे यार मुझे लगा भाई, तो गाइस मुझे लगा मेरे को बांधा ही नहीं है यार। मतलब पूरे रास्ते में ना मतलब परेशान होता हुआ आया हूँ, बता रहा हूँ मैं यार, कि बांधा नहीं, बांधा नहीं, बांधा नहीं, एक्चुअली बांध रखा था। मजा आया, मतलब यार मजा आया ना, पूरा मजा आया भाई, पूरा का पूरा। अभी आपको कैसा लगा? तो गाइस हमने भाई आपको कैसा लगा? आपको बढ़िया लगा? नहीं लगा क्या हाल है? ऊपर से सेलिब्रेट, मजा आया नहीं यार? ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, अब चलो ऐसे कर दो, दूसरी एक्टिविटी करने वाले हैं तो बहुत ही। तो गाइस फिलहाल जो है स्काई साइकिलिंग कर लिया भाई, बहुत मजा आया। पहले तो मुझे लगा कि मुझे बांधा ही नहीं है भाई, मतलब पूरा डर 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 में ही, मतलब डर के माहौल में मैंने मतलब पूरा रास्ता मतलब कवर कर लिया। बाद में बताया उन्होंने भाई बांध रखा था, बांध रखा था आपको भाई। उससे ज्यादा शोर भाई ये मचा रहा था भाई इस टाइम पर, ये डर गया था कि मुझे बांधा ही नहीं है, मुझे बांधा ही नहीं है, मतलब सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है एक्चुअल में। हाँ यार अब चलते हैं, बोर्ड जिपलाइन कर लेते हैं, जिपलाइन करो, जिपलाइन करते हैं। तो गाइस फिलहाल जो है मैं जा रहा हूँ जिपलाइन के लिए, और हल्की हल्की बरसात आने लगी है, बूंदे आने लगी है भाई। भाई कच्चे धागे तो नहीं है? नहीं नहीं, कमजोर तो नहीं है ये? नहीं पक्के धागे, ठीक है। मेरा दिल कमजोर है यार, ध्यान से भैया। अरे मेरी कमर, ओए तो गाइस मेरी क्या हो, मेरी क्या फट गई है? आ तो गाइस मेरी क्या फट गई है? तो गाइस मेरी क्या फट गई यार भैया, थैंक यू सो मच बचाने के लिए, थैंक यू सो मच। तो गाइस फिलहाल जो है जिप लाइन हमने कर लिया भाई, बहुत मजा आया। तुम्हारे भाई कैब गिर गई यार, मतलब यार लेकिन मजा आया बोले यार, बहुत मजा आया। तो गाइस यहाँ पे आप घुड़सवारी भी कर सकते हो, ये भैया जा रहे हैं गोगल वोगल लगा के। भैया अपनी दुल्हनिया लेके आना, अब खाली हाथ मत आना। चलो तो गाइस सामने आप देख सकते हो भाई, देखो भाई घोड़े के ऊपर देखो एक गधा आ रहा है गोप्रो लेते हुए और वीडियो बनाते हुए, देखो भाई। हाँ भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वीडियो बन गई सही, वीडियो बन गई बढ़िया। तो गाइस देखो भाई आज घोड़े के ऊपर देखो एक गधा बैठा है, वीडियो बना रहा है। ए देखो देखो ध्यान से भाई, ध्यान से, ध्यान से भाई, ध्यान से। जवानी छुपाओगी रानी कबार। अबे घोड़ी है ये, आराम से रहो, आराम से रहो भैया, क्या कर रहे हो ये? तो गाइस आज तुम्हारा भाई अपनी दुल्हनिया लेने जा रहा है भाई, घर वाले तो दिला नहीं रहे, अकेले जा रहे हो भाई? मेरा कुत्ता छूट गया। अच्छा ऐसे बैठा है, चल भी घर चल। तुझसे किसने बोला था घोड़ी पर बैठा? अबे घोड़ी है, कुत्ता नहीं है, घोड़ी है, जान से देख। मैं भी तो घोड़ी बोल रहा हूँ। हाँ जान से देख। ओ कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कबारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी। क्या बात है, और मुझसे शादी करोगी? क्या बात है, शादी करोगी? तो गाइस यहाँ पे आप कैमरा राइड भी कर सकते हो भाई। हाँ भाई जा रहे हो भाई? हाँ भाई संदेश से आते हैं, संदेश से। हाँ आराम से बैठूंगा, टेंशन ना ले भाई। चलो भाई चलो चलो कैमल भैया, थोड़ा आराम से यार। भैया कैमल के पास उसकी घरवाली भी है क्या? क्या कह रहे हो, कैमल के पास घरवाली है? घरवाली नहीं इसके पास, इसके पास यहाँ पर पूछते हैं भैया से, इसके पास भैया है। भैया कैमल के पास कैमल की घरवाली है या नहीं है? नहीं है क्या? अभी इसकी शादी करवाओ फिर भैया, शादी शुदी करवाओ भैया इसकी। यार थोड़ा बोर लग रहा है मुझे आज, थोड़ा सा उदास लग रहा है ये। अच्छा कुछ यहाँ पर कुछ रोमांस हो जाए, जैसे यहाँ पर गाना वाना गा रहे थे हम लोग, बताना सुनाना कुछ। सुना देते हैं गाना, सुना देते हैं। हाँ जी बताओ।
संदेश से आते हैं। ओहो नहीं, ये तो चलो ठीक है, अच्छा नहीं गा पाया मैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा अच्छा गाऊंगा मैं। हाँ बढ़िया। संदेश से आते हैं हमें आगे, अलाइन के आगे आगे हमें तड़पाते हैं। के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, के तुम बिन ये घर सूना सूना है। अब मुझे गाने दे, तू बेसुरा गा रहा है भाई। चलो चलो। संदेश से आते हैं हमें रुलाते हैं या तड़पाते हैं, एक चीज है मतलब याद नहीं मुझे एग्जैक्ट। हमें तड़पाते हैं के घर कब आओगे, के घर कब आओगे। थैंक यू। तो गाइस आपको पता है मेरा जो प्लान था ना, पहले सिंगर बनने का था, व्लॉगर बनने से पहले। बहुत देखो तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर फेंको है, एक नंबर फेंको वो कुछ नहीं होगा, मैं झूठ बोलते हैं, ये मैं सिंगर बनने का मेरा प्लान था। आप देखो भाई, ऊंट पे गधे देखो दो। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, मजाक बना रहे हैं, दोनों वीडियो बना रहे हैं। अरे रुको रुको, ये तो गाइस कॉपी करता है, मेरी कॉपी कैट है, बिल्कुल कॉपी कैट। अरे रुक जा। थैंक यू गाइस, लव यू भैया। तो गाइस यहाँ पे आप ट्रैक्टर राइड का भी एंजॉय कर सकते हो, तो हम भी चलते हैं और एंजॉय करते हैं। गाइस काफी सारी राइड्स एंजॉय करने के बाद हम करेंगे अब वाटर जोर्बिंग, दिखाता हूँ आपको मैं। देखो भाई सामने देखो भाई, अतुल और बाबा का जोन कर रहे हैं एंजॉय। देखो देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं, देखो यार। और ये बहुत ही बड़ी एक्टिविटी होने वाली है, देखो फिजिकल एक्सरसाइज भी आपकी हो जाती है इसमें, और मजा भी आया था। दिखाता हूँ आपको मैं अंदर से, देखो कैसे क्या कर रहे हैं। ये उल्टी हरकतें नहीं करनी यहाँ पे। ओए ओए भाई 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 भाई, तुम शरीफ खानदान से हो, क्या कर रहे हो ये? तो गाइस देखो भाई, ध्यान से भाई, ध्यान से भाई, ध्यान से, ध्यान से तुले, ध्यान से भाई। रुक जाओ, रहने दे बाबा, तुम रहने दे, तू हवा मत आ भाई। बोलो भैया को क्यों उतर जाओ ना, अरे एंड्रॉइड फोन है, चक्कर आ गई क्या? जे में तो जीत दे दूंगा भाई। अतुल ठीक है, क्या हो गया भाई? चक्कर आ रही इसके अंदर, चक्कर आ गई क्या? अतुल कहीं आपके खट्टा खाने के दिन पास तो नहीं है? तो गाइस देखो भाई, इन्होंने बोला चक्कर आ रहे हैं, इसका मतलब इनके खट्टा खाने के दिन बहुत ही पास हैं। तो भाई देखो भाई, इनका ध्यान से चेहरा देख लो भाई, बहुत भराई भी करनी पड़ सकती है इनकी। देखो भाई बहुत भराई करनी पड़ सकती है इनकी, ध्यान से देख लो इनको। तो गाइस यहाँ पे आप नॉकआउट गेम का भी एंजॉय कर सकते हो बढ़िया से। देखो भाई यहाँ पे बाबा का जोन कर रहा है भाई। हाँ भाई कैसा लग, मजा आ रहा नहीं आ रहे? ओ भाई ध्यान से, तेरा लक्ष्य कोजी दिख रहा है, ध्यान से ऊपर कर रहे पेंट को। ओ भाई ध्यान से यार। ओ भाई भाई भाई, तो भाई एक्टिविटी होने वाली, इसका नाम है नॉकआउट एक्टिविटी, और ये रंग में काम करने आपको मिलने वाली है। तो इसे भी आप तो गाइस बाबा की जोन से एक्सपीरियंस पूछते हैं, कैसा लगा भाई? भाई मजा आ गया एक हद तक। तो गाइस देखो बाबा की जोन की पैंट गीली हो चुकी है, दिखाई एक बारी देखो भाई, पसीने आ रहे हैं। तो गाइस देखो पक्का पसीना ही है ना? हाँ जी हाँ जी, फिर ठीक है चलो भाई। तो गाइस यहाँ पे आप वॉलीबॉल का एंजॉय भी कर सकते हो, देखो भाई काफी सारे लोग कर भी रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे आप क्रिकेट गेम भी एंजॉय कर सकते हो, तो अभी हम थोड़ी देर क्रिकेट खेलेंगे यार। खेले भी क्रिकेट भाई? खेलना आता है? नहीं आता, आता है। बचपन में खेलता था क्या? हाँ। तेरा तो भाई बचपन ही है, तेरा अभी कौन सा, तेरा बुढ़ापा आ गया। क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? झटका आ गया, झटका आ गया, देख कंधा उतर गया तेरा, देख भाई। तो गाइस देखो अभी पहली गेंद में से कंधा उतर गया, ध्यान से भाई, ध्यान से करा। क्या जिंदगी में क्या करेंगे यार, इनके कंधे उतर जाते हैं। देखो यार ए झरक बॉल मार, झरक मार रहा तो बिल्कुल यार, उसे हाथ से गेंद फेंकनी नहीं आती। ओए ध्यान से। तो गाइस फिलहाल जो यहाँ पे देखो बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन हमने ना मतलब मेन सारी एक्टिविटी इंजॉय कर ली, जो आउटडोर गेम्स होती है ना सारी हमने इंजॉय कर ली, इंडोर गेम्स अभी इंजॉय करेंगे हम। और तो ये बैठे हैं यहाँ पे बाबा का जोन और अतुल से बाग भाई, बहुत मजा आ गया, और भगवान ने इतना ठंडा मौसम कर दिया ना कि अब और ज्यादा मजा आएगा एक्चुअल में भाई। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। कैसे पूछा मैंने है? उल्टी बातें करता है यार। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो गाइस अभी साइड चलते हैं, देखते हैं कौन सी एक्टिविटी हो रही है भाई, चलते हैं यहाँ पे। अच्छा एक्टिविटी नहीं यहाँ पे, मेहंदी वगैरह लगवा रहे हैं ये। अच्छा मेहंदी नहीं है, आई थिंक ये पोल्ट्री है। हाँ पोल्ट्री है, पोल्ट्री नहीं मतलब पोल्ट्री जो भी बोलते हैं इसको,
मतलब यहाँ पे आप दिए वगैरह बनाने सीख सकते हो। भैया कितने देर सिखा देते हो, कितने टाइम में सिखा देते हो? हाँ भैया यूट्यूब क्या कह रहे हो सर? हाथ से ऐसे बनवा सकते हैं, सिखाने में सिखाते नहीं मतलब है, टाइम लगता है। चलो कोई बात नहीं, ये कला है, कोई बात नहीं, हम भी सीख रहे हैं, कभी ना कभी हम भी सीखेंगे। आगे देखते हैं भैया कि क्या है। ये मैम बैठे हैं यहाँ पे। हाय मैम, कैसे हो? क्या क्या सिखाते हो आप, क्या बनाते हो? अच्छा, मेहंदी और राजस्थानी ड्रेस अपने पहन रखी है, राजस्थानी ड्रेस हो गई है। तो देखो मैम कितने प्यारे लग रहे हैं, देखो भाई लाइन मार रहे हो। अच्छा मैम, इसके मतलब अलग से पैसे देने हैं या फिर मतलब इसमें इंक्लूड ही होता है? इंक्लूड ही है, कुछ अलग से नहीं देना। राजस्थानी ड्रेस भी मतलब इंक्लूड है और मतलब मेहंदी भी इंक्लूड है, लड़के लड़के दोनों लगवा सकते हैं। चलो भाई थैंक यू सो मच। बाकी गाइस यहाँ पे देखो आप कमेंट नेट का मजा ले सकते हो। देखो भाई आप यहाँ से आपको देखो चढ़ना है और देखो भाई चढ़ के ऊपर बैठो, मतलब बैठना नहीं है मतलब ऊपर मर्जी है, बैठो तो मतलब फोटो शूट वगैरह करवा लो, अदरवाइज नीचे आप उतर के आ जाओ। तो ये आपका कमेंट नेट होने वाला है। और उसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूँ भाई, यहाँ पे देखो भाई ये टायर, देखो टायर से आपको ऊपर चढ़ना है, देखो कहाँ तक जाना है आपको, और रस्सी से भी आप ऊपर चढ़ के जा सकते हो। तो ऐसी एक्टिविटी होने वाली है, तो ऊपर तक जाना, बिल्कुल कोने तक जहाँ पे लोहे की वो रोड लगी हुई है ना, वहाँ तक जाना है। और उसके बाद वहाँ से जंप कर दो या फिर आराम से आप आ जाओ जैसे आपकी इच्छा हो। चलते आगे, और एक्टिविटी आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो ये सारी एडवेंचर एक्टिविटी होने वाली है, हमने नहीं कही मतलब बहुत टाइम लग जाता है इसमें, लेकिन अगर आप आते हो तो आप जरूर इन्जॉय करना यार। देखो काफ़ी लोग जा भी रहे हैं, देखो भाई ये सारे लोग जो है मतलब ये एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट होती है मैं आपको दिखा देता हूँ, और कहाँ तक ख़त्म है वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं। देखो भाई ये फिलहाल जो है भैया ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट कर दी है भैया ने, तो यहाँ से मतलब स्टार्ट होगा। और हाय भैया कैसे हो? बढ़िया, आपकी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है भैया, चलो ऑल द बेस्ट। तो देखो ये मतलब वैसे है ना, ये मतलब हार्नेस वगैरह लगा रहे हैं, सेफ्टी बेल्ट वगैरह लगा लिए इन्होंने ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे। और देखो अभी काफ़ी लोग कर रहे हैं, तो सारी एक्टिविटी ऐसी होने वाली हैं, तो अगर आप आते हो ना आप जरूर इन्जॉय करना, मतलब आप मत स्किप करना यार। देखो बहुत टाइम लग जाता है वैसे करने में इसको। ये देखो भाई ये भैया गाइड कर रहे हैं इनको ताकि कोई आगे प्रॉब्लम ना हो। काफ़ी सारी मतलब टास्क हैं इसमें, मतलब टास्क नहीं हुए बेसिकली, इसमें टास्क हैं, हाँ लेवल होने वाले इसमें, तो लेवल आप कर सकते हो, लेवल क्रॉस करने पड़ेंगे आपको। मतलब स्टार्टिंग में थोड़े इजी लेवल हैं, उसके बाद थोड़े टफ होते रहेंगे। देखो भाई ये देखो भाई, उसके बाद करते करते वहाँ तक आके जाना पड़ेगा आपको, फिर ऊपर जाना पड़ेगा, तो मतलब मज़ा आने वाला। तो इस एक्टिविटी आप छोड़ना मत यार। क्यों भाई बाबा? हमारे तो नहीं की मतलब टाइम बहुत लग जाएगा, हमारे को बहुत लग जाएगा भाई, हमें बहुत दूर जाना। हाँ एक्चुअली में तो चलते आगे एक्टिविटी दिखाता हूँ आपको मैं। देखो भाई यहाँ पे आप रेन डांस भी कर सकते हो। देखो भाई काफी सारे लोग कर रहे हैं यहाँ पे रेन डांस, कपल डांस भी कर रहे हैं, रेन डांस में कपल डांस क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। और आप चलते आगे, देखो पूल भी है यहाँ पे, और दो पूल बनाए हुए हैं, एक छोटे बच्चों के लिए और एक देखो भाई बड़ों के लिए, क्या बात है बहुत बढ़िया यार। मतलब इन्जॉय करने की इतनी सारी एक्टिविटी है ना यहाँ पे, आप थक जाओगे लेकिन एक्टिविटी कम नहीं होने वाली बता रहा हूँ, मतलब एक्टिविटी तो मतलब खत्म होने वाली है ही नहीं। तो गाइस स्विमिंग पूल के देखो बिल्कुल बगल में देखो आपको यहाँ पे स्विमिंग कॉस्ट्यूम की एक दुकान मिल जाएगी, वहाँ पे आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले सकते हो, लॉकर आप ले सकते हो भाई। देखो भाई चार्जेस मैं आपको बता देता हूँ, देखो सामने लिखा हुआ है मोबाइल पाउच के होने वाले 150 रुपये, स्विमिंग कैप के होने वाले 150 रुपये, स्विमिंग गॉगल्स के 150 रुपये, टॉवल के 350 रुपये, और देखो भाई स्विमिंग शॉर्ट्स के होने वाले 100 रुपये, स्विमिंग टी शर्ट के 100 रुपये, वन पीस वन सेट के 200 रुपये, ट्यूब के 100 रुपये, और गाइस लोकल चार्जेस होने वाले 100 रुपये। तो गाइस यहाँ पे हमारे को मतलब एक फैमिली मिली है, कैसे हो आपसे भाई? ये बॉम्बे से आए। बॉम्बे से आए हो आप, कैसा लग रहा है फार्म आपको? बहुत बढ़िया, मजे आ रहे हैं। yes. तो गाइस एक बच्चा मिला, क्यूट सा बच्चा मिला हमारे को। हेलो कैसे हो? हाय कर दो, हाय कर दो। मम्मी के बाल खींच रहे देख लो भाई, मतलब शैतान बनोगे, शैतान बनोगे। हेलो गाइस यहाँ पे ना एक ग्रुप आया भाई, एक हाय कैसे हो आप सब, कहाँ से आए हो आप लोग और मजे आ रहे हैं, जा रहे हो क्या आप? ये पॉलिथीन में क्या पैक कर रखा आपने? बस कपड़े हैं। खाना वाना पैक तो नहीं कर लिया? फिर ठीक है आओ फिर, थैंक यू सो मच। तो गाइस फिलहाल जो स्विमिंग पूल में बढ़िया सा एंजॉय कर लिया भाई, अब लंच का टाइम हो चुका है, तो पहले आपको मैं लंच में दिखाता हूँ कि लंच में क्या क्या आपको खाने को मिल रहा है भाई। भाई बहुत बढ़िया मिलने वाला लंच वगैरह है ना, सब कुछ स्पेशल मिलने वाला है यहाँ पर, पूरा दिखाएंगे। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, भाई को फुल सपोर्ट करो।
तेरे को करें मेरे को करें भाई, दोनों भाइयों। हाँ ठीक है, तो गाइस भाई के चैनल का नाम है बाबा का जोन, तो सब्सक्राइब कर लेना भाई को भी यार, और मेरे को तो प्यार दे ही देना यार। भाई साहब आपको मैं यहाँ का दिखाता हूँ लंच में क्या क्या होने वाला है, देख सकते हो भाई आप। देखो स्टार्टिंग में देखो सैलेड में क्या क्या है, देखो खीरे हैं, गाजर है, और उसके अलावा प्याज है, और स्वीट कॉर्न भी होने वाला है। और ये क्या होने वाला है, ये खीरा है, खीरे में आई थिंक चटनी को बिल्कुल लबेड़ के बिल्कुल तरीके से बना रखा है, बहुत बढ़िया यार। और हरी चटनी होने वाली, नींबू है, अचार है, नमक है, और देखो रायता, रायता देखो बूंदी का रायता मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और ये है फ्रूट रायता। अच्छा फ्रूट रायता है गाइस, बहुत बढ़िया यार। भैया तो मैं दो प्लेट खाऊंगा भाई, मजा आएगा भाई, हम भी खाएंगे, दो दो प्लेट खाएंगे बिल्कुल। देखिए पर है क्या क्या फ्रूट, अबे इसमें ये खाना अलग से कटोरी में लेके खाना है भाई, अलग से लेके खा ले भाई, महंगा महंगा फ्रूट है, कोई बात नहीं ठीक है, वो भी खा लेंगे हम। तो गाइस देखो चावल होने वाले हैं आगे, और ये भाई दाल मखनी होगी, और आगे अभी देखो पनीर लबाबदार, बहुत बढ़िया यार। ये पापड़ हो गए आगे, और ये हो गया अभी गट्टा कड़ी, और आगे भिंडी, भिंडी दो प्याजा, अरे बहुत बढ़िया यार, महंगी महंगी सब्जी है, है? नहीं लग्जरी फार्म है, और बढ़िया बढ़िया खाना है यार, शौक पूरे होंगे आपके यहाँ पर बिल्कुल भाई। पास्ता भी मिलने, पास्ता मिलने वाला है, पास्ता भी और आ जाएगा अभी, पास्ता छोड़ो चाउमीन नूडल्स। तो गाइस देखो भी यहाँ पे, देखो भी यहाँ पे चाउमीन वगैरह आपको मिल जाएगा, वेज हाका नूडल्स मिल जाएंगे यहाँ पे, देखो लिखा भी होगा। तू मुझे व्लॉगिंग करने देगा या पीछे बोलता रहेगा? तो गाइस यहाँ पे आप वेज मंचूरियन आपको मिल जाएगा, बहुत बढ़िया यार। नहीं खाया आज तक, खाया था कभी? मैंने तो कभी नहीं खाया यार। तो गाइस देखो यहाँ पे क्या है, एसोर्टेड इंडियन ब्रेड्स, देखो आपको यहाँ पे मतलब चपाती वगैरह बढ़िया मिल जाएंगी। और ये कौन सा हलवा होने वाला है? सब बादाम हलवा, बहुत बढ़िया यार, मतलब नाश्ते में भी हलवा था भैया, और उसके अलावा मतलब मीठा तो आप रखते ही रखते हो हमेशा, है ये बढ़िया चीज़ कर रहे हो आप यार। ये डेजर्ट के रूप में देख लो गाइस, डेजर्ट के रूप में क्या चीज़ है ये? चॉकलेट ब्राउनी। चॉकलेट ब्राउनी सर, ये एक बंदे को एक मिलेगी जितनी मर्जी खाएं। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया है, छोड़ो यही भर लो प्लेट। सही बात है भैया, घर ले जाएं क्या? देख लो यार, ₹50 ले लो यार, ₹50 ले लो भैया यार, मैं करूंगा कहीं ना, हां मत कर देना। तो गाइस देखो भी यहां पे देखो, क्या नाम भूल गया, क्या था इसका? डेजर्ट चॉकलेट ब्राउनी। तो चॉकलेट ब्राउनी भी होने वाली है, अभी स्टार्टिंग इसी से करते हैं ना बिल्कुल। और गाइस ये जो हमने वो खाया था ना केक, ये उसी केक को सर्कल में काट दिया, या जो बच गया उसको काट दिया, अब वो तो ले जाने भाई, यही जाने। तो गाइस देखो यहां पे ब्राउनी वगैरह एंजॉय कर सकते हो बढ़िया से, हम भी खाते हैं लंच, एंजॉय करते हैं। तो गाइस ये हाथ से खाने वाले बंदे देखो आज, देखो क्या यूज कर रहे हैं, ये चम्मच यूज कर रहे हैं, चम्मच है क्या, ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फोक बोलते हैं, हैं टोंग, तो मुझे भी नहीं पता एक्चुअली में। तो गाइस देखो भी हाथ से खाने वाले बंदे देखो चिमटा यूज कर रहे हैं आज के टाइम में यार, स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, अब आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो वीडियो पे, अब क्या करें हम। भाई को भी सब्सक्राइब कर लेना, चैनल का नाम क्या है? बाबा का जोन। फिलहाल जो लंच हमने कर लिया, अभी लंच इनका हमेशा की तरह मतलब लग्जरी और स्वादिष्ट था भाई, बाहर भी कुछ आइटम चल रहे हैं वो दिखाता हूँ आपको मैं एक बार। ये होने वाला है भाई पाव छोले होने वाले हैं, और उसके अलावा अगर आगे बढ़े तो आगे ढोकला है, तो ढोकला स्वादिष्ट है, कैसा होगा ढोकला, बढ़िया होगा। चलो भी आगे चलते हैं, आगे भी मीठे में होने वाले जलेबी, मतलब अंदर भी मतलब मीठे में एंजॉय कर सकते हो आप हलवा, और बाहर जलेबी होने वाली है। तो गाइस एक बार इस साइड चलते हैं, देखो काउंटर लगा हुआ, आई थिंक कुछ खाने को मिल रहा होगा। अच्छा गोलगप्पे लग रहे हैं मुझे यार, और गोलगप्पे हैं भाई, आटे वाले भी हैं, और ये सूजी वाले भी हैं, और क्या भैया गोलगप्पे के अलावा क्या भैया, कहाँ है भैया गोलगप्पे के अलावा क्या है, क्या है? पिज्जा। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, पिज्जा भी मिलेगा गाइस यहाँ पे यार, तो खाते हैं भैया पिज्जा लगा दो यार, बढ़िया था यार, तीन लोग हैं बढ़िया सा पिज्जा लगा दो यार। तो गाइस थोड़ी और गेम दिखाता हूँ आपको मैं, क्या क्या गेम आप और एंजॉय कर सकते हो इसमें। अरे डार्ट आई है, मार 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 मार। तो गाइस देखो भाई ने तो कहा निशाना लगाया भाई, अरे यार तू। तो गाइस लक्ष्य भाई आ चुके डार्ट की तरफ, देखते लक्ष्य भाई के डार्ट लगने वाले या नहीं लगने वाले, कैसे तांचेबाज होने वाले। ओ ये क्या था, निशाना मार रहा था। अच्छा देखते हैं गाइस, ये देखो, ओहो हो भाई सेकंड वाले पे लगाए जाके, अभी पहले पे लगे। ओ भाई भाई, भाई जूम कर रहा हूँ भाई, लग गया बीच में, देख लो बीच से थोड़ा सा नीचे। यस भाई कैसी फीलिंग आ रही है? अरे बाहु खुली वाली, दिल गार्डन गार्डन हो गया यार। अबे जा, अबे तेरे इतने चीट मारूंगा, इतने चीट मारूंगा। तो गाइस यहां पे देखो रिंग वाली गेम भी होने वाली है, तो रिंग वाली गेम खेलते हैं भैया। ये कहां मारना है इसको, मेरे सर पर? ए भाई आप सिर्फ ट्राई करते हो मेरा करना, और थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे रहो। तो गाइस दिख रहा हूं, दिखा रहा भाई को, दिखा भाई को, दिखा ए भी दिखाई भाई। तो गाइस एक बार ना वहां मारने से पहले एक बार भैया के सिर पे ट्राई करता हूं कि लग पाएगा नहीं लग पाएगा। देखो ए ओए लग गया, बस भाई बस एक कितना ही और मारता हूं। अरे बस तुम्हारे बस की नहीं है भाई, अबे यार कोई मैं मारूंगा। तो भाई यहां पर लक्ष्य भाई आर्चरी खेल रहे हैं, मार दोगे फिर निशाना?
चलो निशाना बनाओ जल्दी से अपना, निशाना पक्का होना चाहिए। अरे नहीं नहीं भाई यार ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सीधे सीधे मारो जी मारो। 3-2-1 गो। ओ बेकार भाई बेकार, दूसरे शॉट मार रहे हो। ट्राई कर सकते हैं, हाँ ट्राई कर सकते हो, मारो भी। चलो भी फोकस ऑन द, ओ गजब बेइज्जती है। तो गाइस यहाँ पे आप बुल राइड का भी एंजॉय कर सकते हो, देखो भाई बाबा का जोन गया एंजॉय करने के लिए। हाँ भाई क्या हाल है भाई, अरे तू इसके ऊपर चढ़ नहीं पा रहा तो घोड़ी कैसे चढ़ेगा कल को यार, कमाल होगी यार। स्पीड बढ़ा दो उसकी, गिरा दो इसको जोर से, गिराओ इसके, इसे घुटनों पे लगे जोर से। भाई ये भाई बैलेंस देखो भाई का यार, पूरा बैलेंस बना रखा है ओए, पूरा बैलेंस। ए भाई ओए ए ए ए ए, ए, ए। ओ भाई 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 गया गया ओ। तो गाइस अब आपको मैं यहाँ की कुछ इंडोर गेम्स दिखाता हूँ, देखो भाई चलते हैं एक बार अंदर चलते हैं। देखो यहाँ पे एक ये गेम होने वाली है, तो एक बार इसका मतलब नाम मैं भूल चुका हूँ, एक बार क्या नाम है इसका, एयर हॉकी। तो यहाँ पे आप देखो भाई एयर हॉकी गेम का आप एंजॉय कर सकते हो, और यहाँ पे देखो भी कैरम बोर्ड भी आप भी खेल सकते हो, और उसके अलावा ये टेबल टेनिस है ना, ये टेबल टेनिस है ना ये। तो गाइस भाई यहाँ पे आप टेबल टेनिस का भी एंजॉय कर सकते हो बढ़िया से यार। हाँ और ये हो गया भाई, इसका नाम भूल गया मैं भैया, इसका नाम भूल गया, नाम क्या था इसका, इस गेम का, हाँ पूल। तो गाइस यहाँ पे आप पूल का भी एंजॉय कर सकते हो बढ़िया से यार। तो गाइस यहाँ पे आप टेबल सोकर गेम का भी एंजॉय कर सकते हो बढ़िया से। देखो अतुल भाई और बाबा का जोन एंजॉय कर रहे हैं भाई, अबे वो खींच, अबे खींचना नहीं है उसको, ढंग से खेल उसको, तरीके से खेल, खेल एक बार खेल देखते हैं कैसे कितना आता है तेरे को। क्या हो गया अतुल, खेलिए एक बारी, लक्ष्य अननोन मैन, मार 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 मार, अबे इसकी तो छोड़ दे, नहीं खेल पा रहे गाइस, नहीं खेल पा रहे भैया, इनको भैया इनको बाहर निकाल दो, दोनों को बाहर निकाल दो, मुर्गा बना दो इनको यार, ऐसे नहीं खेलना है। तो गाइस यहाँ पे देखो पेड़ की छांव में आपको एक पान वाले भैया मिल जाएंगे, इनकी मेरा शॉप का नाम है लवली पान कॉर्नर। तो एक्चुअली में आप लवली हो क्या? Yes. क्या बात है। तो गाइस देखो बहुत लवली है ये क्या बेच रहे हैं अभी, पान बेच रहे हो? Yes. अच्छा ये टिकट में इंक्लूड ही है या फिर अलग से पैसे देने हैं? अलग से पैसे देने क्या? कितने रुपए का पान होने वाला है? एक बात आपको बोलूं मैं, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं पहचाना सर, मैं आपका वीडियो हमेशा देखता रहता हूँ। हाँ एक बार मैं पहले मैं आया था ना, आपकी दाढ़ी मुझे भागी है देखो यार, पहले नहीं आई थी है ना। तो ठीक है चलो, थैंक यू सो मच भैया। तो गाइस यहाँ पे अगर आप आते हो ना तो भैया से पान जरूर खरीदना यार, है ना भैया, थैंक यू, ऐसे कर दो। क्या बात है। तो गाइस फिलहाल जो है मैंने आपको सारी एक्टिविटी मैंने आपको यहाँ की दिखा दी है भाई, इंडोर गेम आउटडोर गेम एडवेंचर एक्टिविटी मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया है। अब शाम का ना मतलब स्नैक्स शुरू हो चुका है, तो आपको ये दिखाता हूँ कि स्नैक्स में क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। और मैंने गाइस पता कि यहाँ के दही बल्ले की बहुत ही तारीफ सुनी है भाई, तो वो भी टेस्ट करते हैं यार। देखो भाई यही काउंटर होने वाला है मतलब दही बल्ले का, और चाट पापड़ी भी आई थिंक यहाँ पे पहले सुबह हमने दो थोड़ी देर पहले मतलब यहाँ पे हमने गोलगप्पे खाए थे, पिज्जा खाया था, अरे हाँ खाया था। फिलहाल अभी जो है यहाँ पे दही बल्ले हो चुके हैं स्टार्ट, उन्होंने ना मतलब प्लेट्स वगैरह सजा दी हैं, तो मतलब अपना उठाओ और खाओ है ना। तो भाई देखो ऐसे तो दही बल्ले होने वाले हैं इनके, और क्या भैया दही बल्ले के अलावा चाट पापड़ी भी है ना, भेलपुड़ी है क्या? अच्छा तो भाई दही बल्ले हैं और भेलपुड़ी है। अच्छा बाबा के जोन कैसा लगा आपको दही बल्ले भाई? भाई बहुत बढ़िया टेस्ट है, बहुत बड़े टेस्ट है, आपके मुंह पे दही लगी हुई देखो यार भाई, अब खाएंगे तो अतुल को चटवा दो थोड़ा सा यार।
तो गाइस ये कुछ था आज की वीडियो में भाई। देखो फार्म में मैंने बहुत ही मस्ती की, बहुत ज्यादा मस्ती की। आपको कैसा लगा भाई? भाई बहुत ज्यादा मजा आया और वैल्यू ऑफ मनी होने वाली है अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो ना भाई। सबसे बढ़िया बताऊँ, पूरे दिल्ली का द बेस्ट फार्म होने वाला है और खाना लवाब भाई मतलब पूछो मत, इतना टेस्टी बहुत टेस्टी और मतलब क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी है खाने में, बिल्कुल है ना? बिल्कुल भाई। तो गाइस फटाफट से मतलब आप लोग क्या करो घर बैठे बैठे भाई, देखो कुछ नहीं मिलेगा घर बैठे बैठे, यहाँ पे आओ और 1400 रुपए में इतना कुछ आपको मिलेगा, मजा ही आ जाएगा बता रहा हूँ मैं। बैंक में पैसे रख के क्या करोगे जब बात आपकी हेल्थ पे आ जाएगी, क्या बात है भाई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय 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 बाय, लव यू ऑल। बहुत बढ़िया।